सत श्री अकाल। लो जी, अज पता है ठंडा ठंडा मौसम दे, ठंडे ठंडे मौसम दे विच तुहानू अज लंच पता काला कराना है। लंच कराना है मैं हरी हरी पालक दियां पूरियां ते आलू मटर दी सब्जी। पालक साढ़े घर लगी हुई है, बहुत सोहनी लैश ग्रीन पालक जड़ी है वो लगी हुई है। ते देखते हाँ कौन आ जाता है खाने वास्ते, नहीं तो असी तो है ही हाँ। मैं इनवाइट तो किया होया अपनी दिल्ली वाली बेटी नूं भी, पर वो अपनी फ्रेंड नाल किधरे घूम रही है। कहती मम्मा जे इन टाइम वेली हो गई तो आ जाऊंगी। चलो तुहानू दिखाने हाँ। देखो जी सैलड मैं कट लिया, जे थोड़ा थोड़ा बाकी भी मैं नाल नाल कटती रहूंगी। देख लो सैलड मैं कटता। ते लो जी हुण असी आपां एक मिनट मैनू दे सकदे हो? हाँ जी, टेबल भी साड़ी जड़ी है ना वो लाती है मैं विद न्यू रनर। मैनू ये रनर जड़ा सी ये बड़ा पसंद आया। देखो किन्ना सोहना रनर है, ते मैनू बड़ा पसंद आया ते मैं लिया। ते हुण मैं अज इसे टेबल ते इदां ही बैठ के इत्थे खावांगे असी लंच। पालक वाली पूरी बनाने वास्ते ना एक बारी एक मिनट दसदे हैं। ये पालक की पूरी बनाने वास्ते ना पहला पानी गर्म कर लेना है। गर्म करके ना ते देखो घर दी पालक लाश ग्रीन, मैं तो पत्ता इधर तो उधर नहीं होन देंदी, पुठा सीधा कर दें तो मेरी लड़ाई हो जाती जी। इनू धो के ना वधिया वाला इनू ये असी उबाल लेना। मतलब भी इंज कोई उबालन की लोड़ नहीं हैगी, जस्ट गर्म पानी के एवें थोड़ा जहा उल्टा पुल्टा कर लाँगे। बंद करता मैं ये पालक जड़ी है इनू सॉफ्ट कर लिया थोड़ा जहा, पर मेरी पालक का ते मेरियां पूरियां दा रंग ना किते खराब हो जाए ते मैं इनू पा रही हाँ ठंडे पानी दे विच। सारी जड़ी इहदे चों पालक है मैं इनू ठंडे पानी च जड़ा पा देंगी। जड़ी इदा नहीं पैंदी उहनू छान के पा देंगी, लेकिन इनू इहदे विच असी पा देंगे बिल्कुल चिल्ड पानी विच पाया। पालक है ना इसनू असी इहदे विच पा लेना है। धनिया ते मिर्ची इह वी इहदे विच असी पा के ते इनू असी एक बारी ग्राइंड कर लांगे। पालक जड़ी है हो गई है, ते हुण असी इहदा आटा गुन्नी। ये तो लई मैं कणक दा आटा, मैदा नहीं लिया, कणक दा आटा लिया। ते असी बनावांगे 10-12 पूड़ियां दा। ते पाइया को असी लई सी पालक, पालक तुसी ज़्यादा भी पा सकते हो। मेरी घर दी पालक है बहुत लश ग्रीन, ते उस तो इलावा असी पावांगे इहदे च अदरक ते लसन दा पेस्ट। ये बना रहे हैं असी मसालेदार, मसालेदार पूड़ी बनाने वास्ते ना सानू पाना है इहदे विच थोड़ा जिहा नमक। नमक पाया फिर असी थोड़ा जिहा धनिया पाउडर भी पा लांगे फॉर खुशबू, ते जरा कु पावांगे लाल मिर्च क्योंकि मसालेदार बना रहे हैं। ते मसाला नहीं पावांगे ते किवें बनेगी मसालेदार। बिना पानी दे आटे दे विच रलावांगे, इहदे विच पावांगे थोड़ा जिहा पानी, ते फिर असी इहदे विच थोड़ा जिहा कीवी पावांगे। इस पूड़ी दे विच अंदर कीवी जरूरी है। इहदे विच असी 2 चम्मच जड़ी है जिन्हों मोयन भी कह दें तेल पाओ घी पाओ कुछ भी पाओ, 2 चम्मच असी इहदे विच पा के ते दोबारा इसनों फिर गुनदे हां। ये देखो आटा जड़ा है बहुत सोहना इहदे विच गुन के ते हो गया जे रेडी। ठीक है जी, इहनों असी हुण एक प्लेट विच पा के ते थोड़ा जिहा एक घी दा हत्थ नाल असी इनू जड़ा आटे नू एक बारी मुलायम कर लैने। ठीक है जी, ये देखो मल के एक बारी इनू अच्छा जिहा मुलायम करके ते 10 मिनट इस आटे नू टिक लैन देंगे।
गिला पौना उत्ते दे दांगे, फिर बनावांगे पूरियां। जिन्ना चिर ये आटा हो जाता है मैं तुहानू दिखानी हाँ सब्जी। असी सारा कुछ पाया पर तुहाडी मेरी ये पसंद नहीं है, पर तुहाडे करके मैं अपने व्यूअर्स करके अज इहदे विच जवैन पाती। पर ये जवैन जिहड़ी है ये हाथ नाल ही रलाउणी है, इहनू आपां उहदे विच नहीं पा सकते, नहीं तो जवैन जिहड़ी है कौड़ी हो जाती है। जवैन जिहड़ी है इहनू असी पा के 10 मिनट आटे नू हुण ढक के रख दिया। ये जी हुण असी बनानी है आलू मटर की सब्जी। मैं बना रही हाँ इहनू देसी घी दे विच। गर्मियां सर्दियां दे विच देसी घी खाण दा अपना ही स्वाद हुंदा है, ते बहुत सौखी सब्जी है क्योंकि मैं बनावांगी बॉयल्ड आलू ते फिर मटर। मटर भी स्टीम कर दिते ने, ते ये जिहड़े असी प्याज कट्टे हुए विच पा ले ने, इहनां नू अच्छी तरह ब्राउन कर लेना। ये प्याज हल्के हल्के पिंक हो गए ने, ते इहदे च मैं पावांगी लसन ते अदरक दा पेस्ट, जिहड़ा कि इस सब्जी नू इन्ना स्वाद बनाएगा, खुशबूदार ते स्वाद। उबले हुए आलूआं दी ते स्टीम्ड मटरां दी सब्जी फटाफट वल। थोड़े थोड़े मसाले जड़े हैं वह ऐड कर दे, हल्की जी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, फिर उस तो बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर। ये असी जीरा थोड़ा जहा ज़्यादा खाना है इस करके ज़्यादा पाता है, ते उस तो इलावा लाल मिर्च थोड़ी जी, एक मैं हरी मिर्च भी पाई है इस करके लाल मिर्च घट पावांगे। ते इनू असी हलाइए जुलाइए ते करिए मसाले नू तैयार। जल्दी जल्दी काम करना होवे ना, जरूरी है कि दो तीन काम फटाफट कर लिए, जिवें हुण आलू असी बॉयल कर ले सीगे, फिर असी ये मटर जड़े हैं इन्हां नू स्टीम कर लिया। माइक्रोवेव विच पानी नहीं पाना, इन्हां नू सिर्फ ढक के ते दो तीन मिनट लगा दिओ, स्टीम हो जांदे ने। ते असी हुण पा लैने आ इहदे च टमाटर, दो टमाटर प्यूरी करके तां पा ले ने, ताकि प्याज जड़े असी कट के पाए ने उहदे विच, जिहड़ा कट के वाला मसाला हुंदा ना जल्दी तैयार हुंदा, इस करके असी कट के पाया। हुण असी इहदे च मटर जड़े हैं ये पा देने। देखो पानी है नहीं सीगा क्योंकि पानी असी पाया ही नहीं सीगा, ते अपने टमाटर रिज्जे इहदे विच, फिर उस तो बाद मटर पाते, फिर उस तो बाद आलू जड़े ने वह भी असी पा देने। हुण क्वेश्चन ये हुंदा कि जदों आपां पानी पाना ना, जे तुहानू तरी जिहड़ी है टिप है बड़ा जरूरी वाला, जे तुहानू मान लो भी कोई तरी जिहड़ी है थोड़ी जी इस नालों भी संघनी चाहीदी होवे, तां दो आलू ए जिहड़े मान लो आना तां दिखा दिंदे हां आपां, तां वैसे चाहीदी नहीं मसाला पूरा है, लेकिन एक मिनट जिहड़े लो आलू दो तीन उहनां नू इदां करके ना इदां मैश कर लो, इदां करके दो तीन जिनी तुहानूं तरी संघनी चाहीदी होवे उहनूं इदां मैश कर लो। वैसे भी जिहड़ी पूड़ियां नाल खाने आ ना, थोड़ी जी ग्रेवी ग्रेवी घट वाली ते गाढ़ी जी चंगी लगती है, ते इहनूं असी इत्थे इदां करके मैश कर लो। इहदे विच असी थोड़ा जिहा धनिया पा देंगे ना, तो तरी दे विच बहुत वधिया वाला फ्लेवर आएगा। धनिया भी साडे घर दा बहुत वधिया खुशबू वाला है। लास्ट टिप, पानी जड़ा है उन्हों बॉयल करके पाओ, ताकि जड़ी असी इन्नी फास्ट फास्ट वाले आलू मटर बना रहे हैं बहुत सोहने रंग दे बहुत स्वाद वाले, ते मिंटा ते सकिंटा दे विच बन जान। ते देखो जो गर्म पानी पाओ नाल दी नाल बॉयल आने शुरू हो जाते। जी वो आ जा, असी लंच करन लगे हाँ, तुसी करना लंच करना जी, आओ नानू कोल, फिर नानू लंच करन लगे आज। ना टिप है भी जो आपां पूड़ी बनानी है ना, उदों असी घी जड़ा वे थोड़ा उच्चे कर, मेरा हाथ लगता रहिंदा सुरजीत, ऐ जड़ा ना इहनू कि उहदा ना सारी जिहड़ी कढ़ाई है उहनूं अच्छी तरह नाल तेल फैला लो, ताकि जिहड़ा तेल आपां जदों ऐ कढ़ाई दे विच ये पाने आ
ये फिसलती फिसलती चली जाए चंबड़े ना। ये जी असी पूड़ियाँ जड़िया ने पालक आलिया वेल के रख लिया ने, पूड़ी पाद्या सारे इदा दबाओ सारी तरफ तो, ते पूड़ी जड़ी है फुल जाती है। मैं नहीं पता हूँ फुलेगी कि नहीं, पर फुल जाती है। देखो जी फुल गई जे, आंटी की बेइज्जती कोई नहीं हुई है जे। पूड़ी गई फुल, ते देखो जी जो पूड़ी आप पकाने हैं ना घी थोड़ा लवो ते कढ़ाई डूंगी ते फिर असी इनू इंजन करके दे उते पाईए ते हरियां हरियां पूड़ियाँ पालक वालियाँ बहुत मज़ेदार बन के हो जानियां ने तैयार। देखो रे रड़दी पी है, मैं पा दीती है दूजी भी पूड़ी ते इनू पाने असी टोकरी च, ते दो पूड़ियाँ बना के लैके जाने टेबल ते। होर बाबा जी हां चीरा नाम करया करो कट। लो जी अचार ले लो जड़े भी चाहिए जे, बहुत सारे अचार पे ने दिखायो आ मर्च दा अचार है। किन्ना सोना मुंह डट जिना मर्च दा अचार दिखाओ केड़ा। यस मैं तो टेस्ट कीता देखो ना ये मोटी मिर्चा हां जा मोटीया मिर्चा दा तेरे पापा खांदे नहीं ना सरसों दा ऑयल ते ऑलिव ऑयल पाइना। देखो खा खा ले खा ले खा ले खा ले अड़िया लगा के जबरदस्ती लगा के दियो ना। हां हां रोटी लेनी है साडा लंच साडे टब्बर दा लंच ऐस वेले ते इतना कोई टब्बर हुंदा है। हां लंच टाइम हो गया और की लेना लंच टाइम हो गया की लेना असि ले रहे हैं लंच तुसी भी खाओ। आज मेरे नैपकिन कितने नैपकिन माय गॉड। लो जी ग्रीन ग्रीन गर्मा गर्म पूड़ी बच्चू तेनु बड़ी मुश्किल है खानी। इनदी शेप कितनी सोहनी है कुड़ियां दी है देख लो तुसी अपनी घर दी पालक है। घर दी पालक दियां हरियां हरियां रड़ियां होईयां पूड़ियां दे नाल कीता लंच ते मजा आया सानू। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਮਜ਼ੇ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ 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 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ।